इस पत्थर के 200 रुपए दे रही है। तो लड़का जाकर अपने पापा को बताता है कि पापा मार्केट में मेरे को एक औरत मिली, वो औरत इसके 200 रुपए दे रही थी। तो पापा कहते हैं इस वक्त बच्चे देखो म्यूजियम जाना है। तो लड़का म्यूजियम में चला जाता है, तो म्यूजियम में उससे एक व्यक्ति उसकी कीमत पूछता है, तो मुझे पूछने बोल के 2 रुपये उठा देता है। तो वो व्यक्ति कहता है 20,000 रुपए। लड़का इस वक्त बहुत हैरान हो जाता है और अपने पापा से आके बोलता है कि पापा इस वक्त म्यूजियम में एक व्यक्ति मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपए दिया था। तो पापा कहते हैं इस बार मुझे अंतिम जगह पे भेज रहा हूँ, कीमती पत्थरों की दुकान पे। तो लड़का जाता है कीमती पत्थरों की दुकान पे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति रहता है काउंटर के पीछे से आता है, लड़के से पत्थर छीन लेता है और बोलता है कि इस पत्थर को कब से ढूंढ रहा हूँ, इसके पीछे मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, मैं आपसे ये खरीद रहा हूँ, इसके आप मेरे से क्या कीमत देंगे। तो लड़का पापा कहे कि साहब 2 रुपये उठा लेता है। तो वो व्यक्ति कहता है 2,00,000 रुपए। तो लड़के की आशा चले भावना बहुत बाल हो जाती है। तो लड़का पुनः पापा के पास आता है, बोलता है पापा इस बात को मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि वो व्यक्ति इसके 2,00,000 रुपये दे रहा है। तो पापा कहते हैं तुम समझ ही गया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन की वैल्यू क्या समझते हो। यदि आप समझोगे तो वह 200 रुपए की है, यदि आप समझोगे तो 2,00,000 रुपए की है। बहुत से लोग आपकी आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग आपको वस्तु की तरह उपयोग करते हैं, उनके लिए आप कुछ भी नहीं है।